आज का मेरा ये वीडियो होने वाला है मेरी शिमला व्लॉग सीरीज का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको लेकर चलूंगा जाखू मंदिर, कुफरी, मशोबरा और नालदेहरा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज है मेरे इस शिमला ट्रिप का सेकंड डे। आज है 15 जून 2022, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। पहला दिन मेरा यहाँ पर काफ़ी अच्छा गया। मैंने मॉल रोड, लोअर बाज़ार रिज और क्राइस्ट चर्च, ये सब जगह कवर कर ली हैं जो कि आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। और आज मैं जाऊँगा श्री हनुमान जी की शरण में जाखू मंदिर, और साथ ही कुफरी जाने का प्लान है। एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं कल माल रोड पे घूम रहा था तो वहाँ पे मुझे एक दो टैक्सी ड्राइवर्स मिले। आपको, आप अगर यहाँ पर माल रोड पर आएंगे तो आपको टैक्सी ड्राइवर्स मिल जाएंगे जो खुद आपसे पूछते हैं कि अगर आपका कोई कुफरी जाने का प्लान है या कहीं और आसपास किसी हिल स्टेशन जाने का प्लान है तो आप उन्हें हायर कर सकते हैं। तो मैंने आज टैक्सी बुक की है। मुझे टैक्सी ड्राइवर का सुबह 7:30 बजे से पहले ही फ़ोन भी आ गया था। तो अब मेरी तैयारी है कुफरी और जाखू मंदिर जाने की। लेट्स गो टू जाखू मंदिर एंड कुफरी। तो मैंने अपनी कैब बोर्ड कर ली है। अभी टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं और ये हमारे ड्राइवर हैं सोहन जी, जो मुझे कल मिले थे माल रोड पर, और अब ये हमें लेकर जाएंगे जाखू मंदिर और उसके बाद कुफरी की डेस्टिनेशन दिखाएंगे। अगर आप शिमला आते हैं तो आप जाखू मंदिर विजिट करना बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जाखू मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि महावीर हनुमान जी को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान श्री हनुमान जब संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत पर गए थे तो उन्होंने इस शिखर पर रुककर विश्राम किया था। जाखू मंदिर शिमला की हाईएस्ट पीक जाखू हिल पर स्थित है। लंका के युद्ध में मूर्छित हो जाने पर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जब श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की तरफ जा रहे थे तो अचानक उनकी नजर जाखू पर्वत पर तपस्या में लीन यक्ष ऋषि पर पड़ी। संजीवनी बूटी के बारे में जानने के लिए हनुमान जी यहाँ पर यक्ष ऋषि जी के पास उतर गए थे। जाखू मंदिर मैंने हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पर है रास्ता खुलने में थोड़ा टाइम है, 9:15 बजे रास्ता खुलेगा। बस 3-4 मिनट की बात है। तब तक जो हमारे टैक्सी वाले भैया हैं सोहन जी, उन्होंने हमें बोला है कि आप उतर के, आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से आप शिमला शहर देख सकते हैं। ये यहाँ का संजौली चौक है और ये यहाँ का बिजिएस्ट चौक है, जिसका रास्ता जो है सुबह 9:15 बजे खुलता है। तो आप जाम देख सकते हैं कितना है यहाँ पर। जब बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है जैसे गाड़ी चलाने में? ब्रेक आप खींच के ना मारो, साथ में क्या है टायर की थोड़ी हवा लूज रखो, तो बाकी से स्पीड आपकी इतनी कम होनी चाहिए कि आप ब्रेक मारने से गाड़ी ना खींच के मारो। 1872 ईयर ओल्ड, इसकी वजह से दिक्कत भी आ रही है ट्रैफिक की, तो पल्ली तरफ को एक और टनल बन गई। अच्छा, संजौली टनल, संजौली टू ढली। अच्छा, ये ढली को कनेक्ट कर रही है। अच्छा, इस तरफ से टनल क्रॉस करते ही ढली मिल गया। ओके, ये है ओल्डेस्ट टनल ऑफ शिमला। 1870 की टनल है, इसे आप कह सकते हैं ये अंग्रेजों के जमाने की टनल है। ब्रिटिशर्स ने जो चीजें बनाई थी बहुत अच्छी बनाई थी, और यही रीजन है कि बहुत से लोग शिमला आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विंटेज बिल्डिंग्स हैं। जो शिमला से हम बढ़ रहे हैं कुफरी की तरफ, जहाँ पर हमारा सबसे पहला स्टॉपेज होगा ग्रीन वैली, जो कि बेसिकली एक फोटोग्राफी पॉइंट है।
यहाँ से हमारे कुफरी के पॉइंट शुरू होते हैं। सबसे पहले ये है ग्रीन वैली, बेसिकली ये एक फोटोग्राफी पॉइंट है। कुछ मिनट के लिए हम यहाँ पर रुके। ग्रीन वैली से आपको ले जाया जाएगा याक पॉइंट पर, जहां पर आप याक के साथ पिक क्लिक करवा सकते हैं, और उसके बाद आपको ले जाया जाएगा दो ऐसे पॉइंट्स की तरफ जहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि जिप लाइनिंग, बंजी जंपिंग, ब्रिज जंपिंग और हॉर्स राइडिंग अवेलेबल है। ये नहीं लगा क्योंकि अगर यहाँ पर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको देयर इज नथिंग मच टू डू फॉर यू इन कुफरी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे नालधेरा की तरफ, जो कि यहाँ से कितने किलोमीटर है, 25 किलोमीटर दूर है, और हमें पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तकरीबन 1.5 घंटा हमें लगेगा, क्योंकि देखिए पहाड़ है तो यहाँ पर तो 25 किलोमीटर कवर करने में भी टाइम लगता है, और ये सिंगल रोड है। बाकी मौसम शुरू सुबह में जो था वो बादल थे, लेकिन अब धूप निकल आई है, आप देख सकते हैं। नालधेरा इज अ लोकल विलेज। शिमला से लगभग 20 किलोमीटर दूर हम आ पहुंचे हैं मशोबरा गांव में, जहां पर माता भद्रकाली का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहां पर जो माता की मूर्ति है बताया जाता है कि यह त्रेता युग से यहां पर विराजमान है। इस वक्त मैं खड़ा हूं मशोबरा के प्राचीन श्री भद्रकाली माता मंदिर में, और मैंने अभी पंडित जी से बात की है, जिन्होंने मुझे बताया कि ये मंदिर जो है, जो माता की मूर्ति यहाँ पर है, ये त्रेता युग से यहाँ पर विराजमान है, और ये सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर हर साल मेला लगता है और यहाँ पर बैल लड़ते हैं उस मेले के दौरान। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, अगर आप शिमला आते हैं मशोबरा ज़रूर विज़िट करें, इस मंदिर को ज़रूर विज़िट करें। ये बहुत ही शांत जगह पर स्थित है, और यहाँ पर जो मूर्ति है काली माता की वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, त्रेता युग से है। जय माता दी। और ये खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा मशोबरा के माता भद्रकाली मंदिर के बिल्कुल सामने। अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए माता भद्रकाली मंदिर से कुछ ही दूर आगे अब हम आ पहुँचे हैं रीजनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेशन मशोबरा, जो कि अपने एप्पल गार्डन के लिए फेमस है, और इस एप्पल गार्डन को देखने के लिए एक मिनिमल सी फीस है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये है यहां का मशोबरा का एप्पल गार्डन, जो कि गवर्नमेंट मेंटेन्ड है, और मेरे पीछे आप जो ये ट्रीज़ देख रहे हैं ये सारे एप्पल ट्रीज़ हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के एप्पल्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो जिसका बड़ा ही जेन्युइन सा प्राइस है, दैट इज़ 50 पर पर्सन फॉर एडल्ट एंड 25 पर पर्सन फॉर चिल्ड्रन। रीजनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेशन मशोबरा ओरिजिनली एक एप्पल ऑर्चर्ड हुआ करता था, जिसे मिस्टर एलेक्जेंडर काउट्स, जो कि उस वक्त के वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड डफरिन के टेलर थे, उन्होंने प्लांट किया था 1887 में। रीजनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेशन मशोबरा शिमला से 16 किलोमीटर की दूरी पर
शिमला तत्तापानी मंडी रोड पर है। हमारी अगली डेस्टिनेशन है नालधेरा का गोल्फ कोर्स और इसके अंदर बना हुआ एक खतरनाक और एडवेंचरस ट्रैकिंग ट्रैक, जहां पर आप 500 रुपीस में हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं और ये हॉर्स राइड आपको बना देगी खतरों का खिलाड़ी। ये जो ट्रीज आप देख रहे हैं ये देवदार के ट्रीज हैं। ये यहाँ का शूटिंग प्लेस है, यहाँ पे कहते हैं कि काफी सारी फिल्म्स की शूटिंग हुई है। नालधेरा का ये ट्रैकिंग एरिया जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पर एक पर्सन या एक घोड़ा चलने की जगह ही है। अगर आप हॉर्स राइड ना लेना चाहें तो आप पैदल ट्रैक करके भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये नाग देवता का मंदिर है और ये इस तरफ गोल्फ कोर्स है। ये जो ट्रैकिंग मैं कर रहा हूँ ये असली एडवेंचर स्पोर्ट है, इसे करके देखिए। इसे अगर आप करेंगे तो माउंटेन ड्यू डू द ड्यू वो भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती, ये आपको खुद ही हिम्मत जुटानी पड़ेगी। ये है नालधेरा हिल्स का टॉप पॉइंट। हम 7500 फीट यानी कि 7500 फीट 7500 फीट की ऊंचाई पर है। इमेजिन करना मुश्किल है लेकिन इट्स रियलिटी और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक है ये, मज़ा आ गया। फाइनली रोड आ गया है और शुक्र मनाया मैंने कि रोड आ गया। वी आर बैक ऑन रोड। नालधेरा ट्रैकिंग ट्रैक पर एडवेंचरस ट्रैक करने के बाद मैं पहुंच गया शिमला सिटी वापस, और शिमला सिटी में पहुंचकर मैंने कवर की वहां की ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस जैसे कि क्राइस्ट चर्च, मिडल बाजार, लोअर बाजार और रानी झांसी पार्क। और शाम को मौसम हो गया सुहावना और होने लगी बारिश।